पुण्यशोक राजमाता महारानी अहिल्याबाई होळकर का 295 के जयंती के अवसर पर मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी के तरफ से भारतवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ। राजमाता पुण्यशोक महारानी अहिल्याबाई होळकर ने इस देश के ऊपर 28 साल राज किया। सब समाज को, सब धर्म को, सब हज्ब को लेके इस देश के ऊपर शासन करने का, समतामूलक समाज निर्माण करने का काम राजमाता महारानी अहिल्याबाई होळकर ने किया था। इस देश में रामेश्वर में मंदिर बनवाया। रामेश्वर तो कच्छ सोमनाथ, सोरठी सोमनाथ से पंजाब, पंजाब से गया, गया से अब काशी विश्वेश्वर मंदिर, तो महाराष्ट्र के पल्ली वैजनाथ तक, ये सब जगह इंडिया के हर कोने पे महारानी अहिल्याबाई होळकर ने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। अहिल्याबाई होळकर ने इस देश में सोशली, फाइनेंशली और रिलीजियसली और ये सब सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम किया। इस देश में राजा कैसा बनना चाहिए उसको अंग्रेजी लेखकों ने उसको किताब दिया है कि मार्गारेट थैचर्स एलिजाबेथ, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ उसकी उपमा देकर इस देश का शासन करने वाली अच्छी महिला कौन थी, तो उसका नाम अहिल्याबाई होळकर था। तो इस देश का, और अहिल्याबाई होळकर की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उसने इस देश के अंदर सब धर्म के, सब समाज के हितों से करने का कोशिश करने के काम किया है। इस देश में उसका जन्म गाँव चौंडी जिला अहमदनगर में है, वहाँ से पहली जयंती करने का मौका मुझे राष्ट्रीय समाज पार्टी को मिला है। हमने वहाँ स्टार्ट किया था। और अहिल्याबाई होळकर का राजपाट क्या था, मालवा प्रांत में इस देश के अंदर जो अभी स्मार्ट सिटी बनाई है, तो 100 साल पहले अहिल्याबाई होळकर ने इंदौर और महेश्वरी स्मार्ट सिटी बनाई थी। उस हिसाब से उसने सब समाज को, मतलब पशु प्राणी और जनता के हित में जो जो डिसीजन लेना था वो उसने लिया था। आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि खुद की बेटी, वहाँ बहुत बड़ा गुंडा राज चल रहा था, वो ख़त्म करने वाले को मेरी बेटी दान देने वाली इस देश में सबसे महारानी कौन थी, उसका नाम अहिल्याबाई होळकर था। उसने मंदिर बनवाया, उसके साथ साथ मस्जिद भी बनवाई, मस्जिद के साथ साथ चर्च भी बनवाया, सब धर्म का और सब समाज का इस्तेमाल करने ठाक ठिकाना लेने वाली ये महारानी अहिल्याबाई होळकर थी। अहिल्याबाई होळकर इस देश का सबसे अच्छा राजनीतिक मसौला था। तो मैं अहिल्याबाई होळकर के बारे इतना बताना चाहता हूँ, ये खाली महाराष्ट्र में पैदा हुई लेकिन देश के ऊपर उसने हुकूमत करने की कोशिश किया है। इस देश के प्रधानमंत्री को मैं ऐलान करना चाहता हूँ राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से।